कलेक्टर के ऑफिस में आप मीडिया को बुलाए हैं, बुलाने का क्या उद्देश्य है सो बताइए। सर सबसे पहले तो जितने भी आप माने पत्रकार आए हुए उनको मैं कैट के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और बुलाने का मुख्य उद्देश्य सर ये है कि जो बाज़ार के अंदर खुदरा व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की क्या स्थिति हो रखी है, इससे शायद हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अनभिज्ञ है। और बहुत से माने खुदरा व्यापारियों की स्थिति ये हो गई है कि उनके लिए दुकान तो दूर की बात है, अपने घरों के खर्चे चलाने मुश्किल हो गए। कारण क्या है सर? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार लॉकडाउन के कारण लोग, लॉकडाउन तो हुआ, लॉकडाउन के अंदर माने घरों में रह गए, खर्चे उनके चालू रह गए, आय का स्रोत था नहीं, तो जो था उसी में से तोड़ तोड़ के खाते चले गए और इसका असर दूर तक हुआ। तो अब जिन लोगों को बाज़ार में चीज़ें चाहिए वो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से जो बड़े व्यापारी हैं किसी भी माने की ट्रेड के, चाहे वो माने की बर्तन के हों, चाहे वो कपड़ा के हों, चाहे वो माने किराना के हों, उनसे मेरा माने की एक अपील है, एक निवेदन है, ये मानवीय अपील है कि जब सीमावर्ती एरिया खुला रहता था तो उस समय माने थोड़ा बहुत माने कि खुदरा वालों के पास भी चला जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल बंद है और गिने चुने लोग आते हैं। तो मानवीय भावना के आधार पे, नैतिकता के आधार पे कुछ दिनों के लिए माने कि वो अपना खुदरा व्यापार जो करते हैं थोक के रूप साथ साथ, उसको वो बंद कर दे या कम कर दे। यही उनके लिए, उनके द्वारा छोटे व्यापारियों की व्यापारिक मदद होगी। मेरा ये कहना है कि लोग जो है माने कोरोना काल में जो है माने ये दिया वो दिया, अरे आप अपने समाज के लोगों का माने कि अगर नहीं कर पाइएगा तो हम किसका मदद कर पाएंगे। हमारे व्यापारी जो है वो डेली जो है आह भर रहे हैं, और वो व्यापारी मेरा नहीं, उनके भी व्यापारी है जो ये थोक विक्रेता हैं। थोड़ा सा कोरोना के कारण जो वस्तु स्थिति बनी है, परिस्थितियाँ बनी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनसे परहेज करें, यही व्यापारी एक मदद होगी। और छोटे व्यापारी और बता दीजिए इसमें कि आपका जो कैट संगठन है सर जी, तो उसमें भी थोक विक्रेता वगैरह सदस्य के रूप में या होंगे? सर ऐसा है कि हम तो सभी माने कि व्यापारियों को अपना मानते हैं, क्योंकि कन्फेडरेशन जो है पूरे हिंदुस्तान में 6 करोड़ व्यापारियों का समूह है, 40,000 से ज़्यादा व्यापारिक संगठन हमारे साथ है, तो हम तो सभी को मानते हैं। मानते हैं, अलग बात है, आपसे विधिवत जो कैट के साथ जो जुड़े हुए हैं थोक विक्रेता भी है जी, उसमें भी कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं। तो थोक विक्रेता वो हैं सर, तो उनसे मतलब आप कैट की तरफ से उस पर कोई एक्शन रिएक्शन बताया कि नहीं? तो लेने का प्रश्न ही नहीं, आखिर हमारे व्यापारी है तो हम एक्शन क्यों लेंगे। हम उनसे एक निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं मानवीय आधार पे, नैतिक आधार पे, सामाजिक आधार पे कि आप कम से कम उन लोगों को भी सहारा दीजिए। जो पेड़ अगर झुक जाता है तो उसके बगल के पेड़ जो हैं उसको सहारा देते हैं। सर तो आप अभी हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि आपने ऑफिशियली भी उन लोगों से संपर्क किया है? जी नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से, चूंकि लोकतंत्र में आप 4th स्तंभ हैं और कोई भी बातों को पहुंचाने का सबसे सरल और सुलभ तरीका जो होता है वो मीडिया होता है। लेकिन घरेलू में सर आपस में बात करना पड़ता है सर? सर घरेलू क्या, हम इस बात की चर्चा लगातार हम लोगों ने पहले भी किया है, लेकिन चूंकि कोरोना के कारण बाजार की स्थिति डूब गई। अध्यक्ष जी ने बताया अभी मीडिया को, आप भी तो कैट में महासचिव हैं जी सर, आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं कैट ऑफिस में सभी कैट के पदाधिकारियों के द्वारा आप सभी मीडिया बंधुओं को जो विनम्र विनती के बाद आप लोग पधारे, मैं कैट ऑफिस के द्वारा आप सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूँ कि आपने यहाँ पधार कर हम लोग के विचार को आप लेने का काम किए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता दिया कि कोरोना के बाद जो बाज़ार की स्थिति है, जो छोटे व्यापारियों की स्थिति है, वो बहुत ही दुखदायी है, दयनीय है। तो मैं बस कैट के माध्यम से सभी बड़े व्यापारी को, चाहे वो कपड़ा विभाग के व्यापारी हो, चाहे लोहा विभाग के व्यापारी हो, चाहे अन्य किराना विभाग के व्यापारी, जो भी व्यापारी है, मैं सभी बड़े व्यापारी को हाथ जोड़कर कैट के द्वारा निवेदन करता हूँ कि जो छोटे व्यापारी हैं
उनको मानवीय आधार पर अभी जो कष्ट का समय है उनको भी जीने का अवसर दिया जाए। आप होलसेल वाले जो है थोड़ा खुदरा में अपने सामान को न बेचते हुए उस छोटे व्यापार को बढ़ाने का काम करें, छोटे व्यवसायी को। तो ऐसा करते हैं सर कि मीडिया